नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रसायन, जो कि एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन, इम्यून बूस्टर, ओजोवर्धक, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ऐसी कुछ औषधियां जो कि एज ए फूड प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह प्रयोग की जा सकती है, के बारे में बात करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो देखने से पहले इस तरह के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है और आप सबने ये सुना भी होगा, न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि ऐसे कुछ फूड प्रिपरेशन जो एज ए फूड यूज होते हैं, लेकिन दे हैव सम मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि उसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं और वो एज ए प्रिवेंटिव मेथड और इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। परंतु स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे आयुर्वेद न्यूट्रास्यूटिकल्स की। अब आप पूछेंगे कि ये इससे कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, आयुर्वेद के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या आयुर्वेद के जो प्रिपरेशंस हैं, वो अग्निदीपन यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने पे बहुत अधिक जोर देती हैं, या प्रिपरेशन होती ऐसी हैं कि जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती हैं। और आयुर्वेद में देखिए कहा भी गया है, यदि आपकी अग्नि ठीक है, आपके डाइजेस्टिव फायर ठीक है, तो आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और ये प्रिपरेशंस क्या करती हैं, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जितनी भी रस रक्त आदि धातुएं हैं उनका बेस्ट प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छी धातुएं जो है उससे निर्माण होती हैं और उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है। और रोगों के प्रिवेंशन के लिए हमें यही चीज जो है ये आवश्यक होती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रिपरेशंस बताए गए हैं, परंतु आज हम बात करेंगे शीरपाक कल्पना या मिल्क डिकॉक्शन। अब ये जो कल्पना है या जो शीरपाक है, इसमें मिल्क का प्रयोग होता है, दूध का प्रयोग होता है। जो दूध होता है उसके लिए आया है कि आजन्म सात में होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मिल्क जो है वो सबसे इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बहुत इजीली एसिमिलेटेड होता है और सबके लिए जो है वो अच्छा होता है, साथ में होता है सबको। इसके अतिरिक्त जितने भी मेडिसिंस या औषधियां हम दूध में पकाते हैं, तो दूध क्या करता है, उन औषधियों के गुणों को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे शीरपाक कल्पना नाम दिया गया है। अब शीरपाक के बारे में कुछ कॉमन चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो जो अम्ल यानी कि सार और लवण यानी कि सोल्टी रस वाले द्रव्य होते हैं, उनका क्षीरपाक कभी भी नहीं बनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अम्ल और लवण रस हैं, वो मिल्क को या दूध को स्पॉइल कर देते हैं। बहुत सारे द्रव्य या औषधियां हैं जो क्षीरपाक विधि या कल्पना में विभिन्न रोगों के अनुसार, विभिन्न प्रकृति के लोगों के अनुसार जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हम कॉमनली जो औषधियां द्रव्य है जिनका कि क्षीरपाक विधि या कल्पना से प्रयोग में लाई जाती हैं और किन रोगों में वो फायदा पहुंचाती हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला है पिप्पली, पिप्पली क्षीरपाक। इसका प्रयोग कास यानी कि खांसी, श्वास के जितने भी रोग हैं उनमें, पेट से संबंधित बीमारियों में, प्लीहा या स्प्लीन के जितने डिजीज हैं उनमें, आर्थराइटिस, इनमें बहुत अच्छा फायदा करती है। शुंठी क्षीरपाक, तो इसका प्रयोग वोमिटिंग, जिनको वमन या छर्दी यानी कि उल्टियां बहुत होती हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पाइल्स में अच्छा बताया गया है, जो पेट से संबंधित रोग हैं उनमें इसका प्रयोग है, शरीर में सूजन बहुत रहती हो उसमें भी इसका प्रयोग अच्छा है। देन अर्जुन क्षीरपाक, ओबेसिटी में, हार्ट डिजीज में, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स में, कार्डियो प्रोटेक्टिव इसको बताया गया, हाई बीपी में बहुत अच्छा रहता है। रसोन या लहसुन क्षीरपाक, तो इसका प्रयोग स्किन के रोगों में, कृमि या जो वर्म्स की प्रॉब्लम है उनमें, इंटेस्टाइनल अगर कोई ग्रोथ है उसमें, जितने भी पेट से संबंधी यानी एब्डोमिनल पेन अगर कहीं है उसमें अच्छा कार्य करता है। कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक फीवर, लंबे समय तक जो बुखार रहता है उसमें। हरिद्रा या हल्दी का क्षीरपाक, सो स्किन की डिजीजेज हैं, वर्म्स या कृमि डिजीजेज हैं, एनीमिया, वुंड्स या अल्सर की समस्या है, इनमें बहुत अच्छा रहता है। देन शतावरी का क्षीरपाक है, तो इनफर्टिलिटी में अच्छा है, बल्य होता है यानी कि शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अश्वगंधा का क्षीरपाक है, उसका भी इनफर्टिलिटी में एज ए टॉनिक है, श्वास के रोगों में बहुत अच्छा फायदा करता है।
देन एरंडमूल क्षीरपाक है, ये जो लंबे समय तक क्रोनिक फीवर रहता है उसमें बहुत अच्छा असर करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबा चलता है उसमें अच्छा रहता है। गोक्षुर का क्षीरपाक है तो ये डायूरेटिक होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्स की प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छा होता है, फीवर में भी अच्छा रहता है। पंचमूल का जो क्षीरपाक है उसका प्रयोग कास श्वास यानी कि कफ और डिस्निया के जिनमें प्रॉब्लम है उनमें, साइनस की प्रॉब्लम है, प्लूरिसी जिनको है और हेडेक बहुत रहता हो, या शरीर में बैक में लोअर बैक में जहां भी बहुत अधिक पेन होता हो उनमें अच्छा इफेक्ट इसका होता है। अब इस शीरपाक को बनाने की विधि क्या है, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी लिंक देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर ये अर्जुन शीरपाक की विधि बताई गई है। तो शीरपाक बनाने का जो तरीका है वो सेम ही होता है, जो ड्रग या औषधि आप वहां पर चेंज कर रहे हैं बस वही चेंज होती है, तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं कि किस तरह से शीरपाक बनाया जाता है। एज ए समरी, क्षीरपाक कल्पना एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, औषधियां तैयार करने का मेथड है जो कि रोगों के इलाज या ट्रीटमेंट के लिए, रोगों के प्रिवेंशन यानी कि एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। जो आयुर्वेदिक औषधियां या आयुर्वेदिक अप्स हैं उनमें वेरियस फाइटोकेमिकल्स, एल्केलॉइड्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स ये सभी पाए जाते हैं। जब हम मिल्क और औषधियों को मिला करके इनका क्षीर पाक कर रहे थे, इनको पका रहे होते हैं, तो ड्यू टू हीट जो मिल्क के बायोमोलिकुल्स हैं और जो अब्स या औषधि है उसके जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, हीट के कारण उनका इंटरेक्शन होता है और जो मिल्क होता है वो यहाँ पर इनके औषधि के डिजायर्ड इफेक्ट को शरीर में लाने के लिए एज ए कैरियर का कार्य वहाँ पर करता है। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार या रोग के अनुसार, अपने वैद्य के परामर्श के अनुसार जो भी औषधि आपको सूट होती है या आपके लिए उचित है उसका प्रयोग शुरू करें। और शीरपाक कल्पना जब आप किसी भी औषधि का इस मेथड से प्रयोग करते हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट के लिए एटलीस्ट 3 मंथ से 1 ईयर तक लगातार इसका प्रयोग करें, ताकि बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से आप अपने आप को बचा सके और बहुत सारे डिजीज जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं वो आपको हो गए हैं उनसे आप निजात पा सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।